वहीं कैंप निवासी रंजीत सिंह की हत्या में शामिल आरोपियों में से 3 आरोपियों को छावनी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है। वहीं पुलिस की अन्य टीमें फरार आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। अपराधियों के बढ़ते हौसलों को निस्ताबूत करने उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की तर्ज पर भिलाई में भी रंजीत सिंह हत्याकांड में शामिल फरार आरोपियों भाजयुमो नेता लोकेश पांडे की रामनगर स्थित 3 फ्लेक्स प्रिंटिंग की दुकानों को सील कर एक दुकान के अवैध कब्जे को तोड़ने सोमवार को बुलडोजर चलाए।